बिशनपुर से आते हैं यहाँ चाय पीने, कहीं और नहीं जाते हैं? कहीं नहीं, घर में भी अगर बना दिया अच्छा। तो यहाँ का जब तक चाय नहीं पियेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी। क्या बात है? ये बात है, मतलब इतना सुंदर बनाता है ना हमारा अल्ताफ भाई, इसका चाय पीने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कब से चाय पीते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे चाय हम जो है पी रहे हैं 15 साल से। 15 साल से? हाँ, यहाँ का चाय जो है बहुत मशहूर है, चाय पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अच्छा, शाम में हमको एक बार यहाँ आना जरूरी है चाय की वजह से, टेस्टिंग की वजह से। अच्छा, चाय बहुत फेमस बनता है यहाँ पे। जब चाय नहीं पीते हैं तो मन नहीं लगता है हमको। ये खुआ हमने भी टेस्ट किया अभी तो बिल्कुल अलग है, ये कैसे? नहीं, दूध का खाली एक नंबर दूध का खुआ है, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, अगर आप कोसी और सीमांचल से होते हुए निकलते हैं तो एक बार आप अल्ताफ टी स्टॉल पर जरूर आएं। यहाँ के जो चाय का टेस्ट, इसकी जायका इतना आपको पसंद आएगा कि एक कप पीने के लिए आएंगे तो आप कम से कम 2-3 कप पियेंगे, जब जाकर के आपको तसल्ली मिलेगी। हम आपको बताए थे, अभी आपको दिखाएंगे कि आखिर उस चाय के अंदर क्या खासियत है जिसे एक बार लोग पीते हैं बार बार पीने का उसे मन करता है। हम आपको लोकेशन बता देते हैं, आप जैसे ही ये देखिए SH 91 है, ये मीरगंज होते हुए जदिया को जाती है और जदिया सीधे आपको लेकर के एक तरफ सुपौल को होते हुए मधेपुरा और सहरसा कटिहार होते हुए आगे निकलती है, वहीं दूसरी तरफ आपको रानीगंज अररिया 4 लाइन में मिलाती है, वहीं जाकर के आपको सिलीगुड़ी हो चाहे कहीं बाहर का स्टेट जाना है तो वहां पर जाती है। इसलिए आपको हम दिखाएंगे और यहां पर पीते हुए लोगों से हम आपको बातें करते हुए दिखाएंगे कि आखिर उनका क्या टेस्ट है, क्यों टेस्ट लेने के लिए आप पहुँचते हैं। आप देखिए इस वक्त में भीड़ लगी हुई है और अगर आप चाय की रेट की बात करें तो कुछ खास नहीं है। आपको हम दिखाएंगे, बातें करते हुए सुनाएंगे कि आखिर उसमें क्या खासियत है। सबसे पहले आपको हम उस दुकानदार के पास जाएंगे, उसके बाद हम फिर बाकी लोगों से बातें करेंगे। आइए एक बार देखते हैं, ये अल्ताफ टी स्टॉल है और ये आज से नहीं है, तकरीबन 30 साल पुराना दुकान है और यहाँ पर आज के नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान, मोदी जी कहते हैं कि पढ़ लिख करके कुछ करिए तो ये कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से दुकान को इस मुकाम तक पहुँचाया है, यहाँ के 3-4 ज़िले के लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं, जब भी रास्ते से गुजरते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं, चाय पीते हैं, इनसे जानते हैं क्या खासियत है। सबसे पहले आप बताएँ कि जिस तरह से आपका दुकान मशहूर है और क्या वजह है और कितना मेहनत आपने किया है इसके लिए? सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात में 6 बजे बंद करते हैं, दूध बढ़िया सामान चलाते हैं, अच्छा देते हैं, लोग कस्टमर दोबारा फिर आता है। आपके पास कहाँ कहाँ से कस्टमर आते हैं? लगभग 10 किलोमीटर इधर उधर आदमी आता है। इसके अलावा कोई बाहर से लोग आते हैं इधर तो? हाँ, जो पीता फिर दोबारा रुकता है, जो पीता फिर दोबारा रुकता है, फिर चाय पी के निकलता है। आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो क्या तुरंत दूहने के बाद इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं? ज़्यादा लाने के लिए सुबह 6 बजे ला के तो बनाते हैं तो फिर बेचते हैं। सुबह 6 बजे दूध लाते हैं, 6 बजे कौन आपको दूध देते हैं? दूता है कि उसका फिक्स टाइम है ना, टाइम से लाते हैं फिर। ऐसा पता चला है कि आप लोग खुद दूहते हैं फिर लेकर आते हैं? ना, लाते हैं देहा से। मतलब सेम दूध एक ही दिन में, मतलब उसी दिन यूज़ करते हैं या फिर आज का दूध कल आप इस्तेमाल करते हैं? उसी दिन जो बाज है हल्का फलका तो कल चलता है, वो खत्म हो जाता है। अपना नाम बताइए सर। नाम हुआ MD अफताबल। एक दिन में कितना दूध खर्च होता है और कितना चाय आप बना देते हैं, कितना कप चाय बेच देते हैं? लगभग कभी 50, कभी 1 क्विंटल, कभी 30 किलो, 80 किलो, सब दिन क्वालिटी का है। कोने 1 क्विंटल होता है, कोने 30 किलो, 50 किलो, क्वालिटी ना अंतर होते, बढ़ते घटते रहता है। लगभग कितना कप हो गया उसमें? मेरा कितना कम से कम 500-600 कप। हाँ, तो हम यहाँ पर अल्ताफ जी हैं, उनसे बातें करेंगे, जिन्होंने इस दुकान को यहाँ पर रेस्टेबल किया है, जिन्होंने दुकान को यहाँ पर बनाया है और अपने पसीने से संजोया है। ये देखिए अल्ताफ जी हैं, इनसे हम उम्र तो काफ़ी आपकी हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस दुकान को खोलने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब ठीक है, दुकान चल रहा है बढ़िया सबका? हाँ, ठीक चल रहा है।
माशाल्लाह ठीक चल रहा। आपका दुकान काफ़ी मशहूर है यहाँ पर, कई किलोमीटर तक, कई ज़िले तक लोग आते हैं यहाँ पर। इधर से जो भी दूर से आते हैं तो यहाँ नज़दीक में रुकते हैं और अपना चाय पी करके यहाँ से जाते हैं, चाय स्पेशल बनता है। कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल से कर रहे हैं जी हाँ। क्या खासियत है आपके चाय में? चूँकि जो भी आपके यहाँ चाय पीते हैं वो नाम लेते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं कि यहीं पर आके दोबारा चाय पी। हम खाली दूध का चाय बनाते हैं, स्पेशल चाय बनाते हैं, चाय ढंग का बनते हैं। आदमी पैसेंजर जो मान लें कि स्पेशल चाय बोल करके आदमी लोग पीते खाते हैं और सब खुश होकर के यहाँ से जाते हैं। कहीं आप ये बनाने के लिए कहीं सीखा आपने, या फिर कहीं पे आपकी दुकान थी, या फिर अपने आप यहाँ पर शुरू किया आपने? नहीं नहीं, हम यहीं पर सीखे हैं और यहीं से चालू किए हैं 30 साल पहले। हाँ जी हाँ, यहीं 30 साल पहले जो यहीं से काम शुरुआत किए हैं। मतलब आप 92-93 के आसपास? अभी 72 मेरा चल रहा है। 72 साल की उम्र है आपका? हाँ 72 अभी चल रहा है मेरा। अच्छा, 72 साल की उम्र आपकी है अभी, है ना। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो अमूमन ग्राहक हैं, वो चाय पीने के लिए यहाँ पर आते हैं, चाय की चुस्की के लिए यहाँ पर आते हैं। हम बाबा से पूछेंगे, यहाँ पर चाय पीते हैं, बाकी जगह पर क्या दिक्कत होती है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ सफेती रहता है, सफियाना बढ़िया से चाय बनता है, अच्छा चाय मिलता है। हाँ, इस चाय लेकर के आते हैं। एक टेस्ट बताइए, कैसी रहती है यहाँ पर चाय की स्वाद? चीज अच्छा है, बढ़िया है, चाय बढ़िया बनाता है, पकाता है, अच्छा लगता है पीने में यहाँ। हाँ, इससे अच्छा चाय और कहीं नहीं मिलता है। एक कप चाय पीते हैं तो क्या पीने का मन करता है? और हाँ, और कहता है जो और एक चाय और पी लूँ। हाँ, और रेट कुछ खास तो महंगा नहीं है ना? कोई चाय के अनुसार से कोई महंगा नहीं है। हाँ, कोई महंगा नहीं है। चलिए, हमारे साथ ये देखिए, ये भाई साहब चाय पी रहे हैं, इनसे हम जानते हैं कि टेस्ट कैसी है चाय की। चाय की टेस्ट कैसी है? बहुत अच्छा। कहाँ से आते हैं आप चाय पीने के लिए? हम तो यहाँ का परमानेंट है, बिशनपुर से आते हैं यहाँ चाय पीने। कहीं और नहीं जाते हैं? कहीं नहीं, घर में भी अगर बना दिया अच्छा, तो यहाँ का जब तक चाय नहीं पियेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी। क्या बात है? ये बात है, मतलब इतना सुंदर बनाता है ना हमारा अल्ताफ भाई, इसका चाय पीने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कितने साल की उम्र से आप चाय पी रहे हैं? हम 90 से चाय पी रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानेंगे आखिर, ये आपसे हम जानेंगे, आप भी चाय पीने के लिए हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। ठीक है, आप बताइए जरा सा, देखते हैं, नौजवान हैं आप, हम उम्र हैं, और इस उम्र में अमूमन लोग ढूंढते हैं कहाँ पर ठेका है। आप चाय की दुकान बैठे हुए हैं, क्या वजह है? ना, चाय बहुत बढ़िया है, साफ सफेदी रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट कैसी रहती है यहाँ की? बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट रहता है। चलिए, जहाँ पर देखिए, एक भैंसा और चाय पी रहे हैं, हम आपको ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, कुछ कुछ लोगों को दिखाते हैं ताकि आप महसूस कर सकें कि चाय की दुकान कितनी फेमस है। कब से चाय पीते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे चाय हम जो है पी रहे हैं 15 साल से। 15 साल? हाँ, यहाँ का चाय जो है बहुत मशहूर है, चाय पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अच्छा, शाम में हमको एक बार यहाँ आना ज़रूरी है, चाय की वजह से, टेस्टिंग की वजह से। अच्छा, चाय बहुत फेमस बनता है यहाँ पर, जब चाय नहीं पीते हैं तो मन नहीं लगता हमको। अच्छा, हाँ, चाय बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत मशहूर है चाय। तो अभी आपने देखा, ये अल्ताफ साहब की दुकान है, 70 साल की उम्र है, 73 साल की उम्र है, और लगभग 30 साल से यहाँ पर दुकान है। जो इस दुकान के अंदर अमूमन इसी तरह की भीड़ लगी रहती है, आसपास के दुकानों में आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग लाइन लगा करके, नंबर लगा करके ये चाय पीते हैं। सबसे ख़ास बात यह है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पेरा है और ये शुद्ध दूध का खोआ है, क्या ये दूध का खोआ है? तो आप, और यहाँ पर सत्तू भी रखते हैं। जरा सा आप बताइए कि ये खोआ, हमने भी टेस्ट किया अभी, तो बिल्कुल अलग है ये, कैसे? नहीं, दूध का खाली एक नंबर दूध का खोआ है, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा। और इधर चना का सत्तू है, एक नंबर दूध का, एक, हाँ, एक नंबर दूध का खोआ मिलता है। और क्या बोले? तो इसमें आपको क्या प्राइस क्या होता होगा इसका, मतलब क्या रेट रखें आप किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो,
शुद्ध दूध का बनाते हैं ना, कोई इसमें वो जो है ना, ना इसमें कोई मिलावट नहीं। क्या उसके अंदर मदर डेयरी वाला दूध जो होता है पैकेट वाला, वो सब मदर डेयरी नहीं, भैंस का प्योर भैंस का दूध चलाते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से आपको नौजवान लोग यहाँ पर खड़े होकर के खुद चाय पी रहे हैं। इनके पास में मौका नहीं मिला वहाँ पर बैठने का, और ये लोग चाय पीने के लिए आप नंबर में लगे रहते हैं। जरा से बताइए, यहाँ पर आप खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? चाय पीने के लिए। आपका नंबर आया यहाँ पर? नंबर आया। बन रही चाय जी? क्यों यहाँ पर क्यों आते पीने के लिए चाय? चाय टेस्टिंग बनते हैं यहाँ। टेस्टी बनती है जी, चाय पीने बढ़िया लगता है। अच्छा। एक बार पी लिए मन पूरा दिन फ्री रहता है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से अगर आप पूछेंगे किसी भी व्यक्ति से जो यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए, तो उनकी यही रिएक्शन होती है कि यहाँ की चाय बहुत ही प्यारी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, लजीजपन उसके अंदर रहती है, और यही वजह है कि ये लोग चाय पीने के लिए नंबर लगा कर पीते हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, कई सारी दुकानें यहाँ पर है जहाँ पर आपको लोग दुकान वहाँ पर खाली मिलेंगी, लेकिन इस दुकान पर आपको सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक दुकान आपको ऐसे ही भरी रहती है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और जो भी चाय पीते हैं एक बार वो दोबारा इस दुकान पर लौट करके ज़रूर आते हैं। आपको एक बार फिर से हम लोकेशन दे देते हैं, आपको ये कुमारखंड पड़ता है, इधर रास्ते में कुमारखंड, ये जहाँ पर हैं अभी खड़े हैं, इसको टिकुलिया के नाम से जाना जाता है। टिकुलिया बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है, ये तकरीबन 30-35 साल से पहले का ही ये बाज़ार है और मशहूर बाज़ार है। यहीं पर अल्ताफ़ साहब की दुकान है जो 30 साल पहले से इस जगह पर ये जमे हुए हैं, और साथ में चाय के साथ साथ आपको जो खुआ ये जो बनाते हैं वो भी लाजवाब है, और शुद्ध दूध का बनाते हैं, कोई मदर डेयरी पैकेट इसके अंदर नहीं होता है, शुद्ध दूध। ये आप इनके पास में कुछ सोर्सेज रहते हैं, वहाँ से मंगाते हैं और फिर अपने आप से ये बनाते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है कभी इस क्षेत्र में आने का, तो एक बार इस दुकान पर ज़रूर रुकें और एक बार इस दुकान की टेस्ट ज़रूर लें, और उस वक्त में आप हमें इस वीडियो के नीचे में नंबर होगा उस पर आप एक बार हाय या कुछ लिख करके ज़रूर बता दें हमको, ताकि हम समझ जाएंगे कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा है और फिर यहाँ पर आप चाय पीने के लिए आए, आपको टेस्टी लगी और आप यहाँ से खुशी खुशी जा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे।